Hello beautiful, welcome or welcome back. I hope you're doing really really well and welcome back to yet another new launch brand review. मेरे पास है यहाँ पे ये put simply के तीन product. I think इनके अभी तक ये तीन product ही launch हुए हैं. First is the get your green cleanser, the damn moisturizer and beat the sun sunscreen. तो ये तीनों product के बारे में एक एक करके आज बात करेंगे हम. I'm gonna share my experience with you all. So if you're interested then please keep on watching. So ये तीनों product हैं, they are made in Korea. तो यहाँ पे information mention है उसके accordingly कि ये manufacturing वहाँ हुई है but marketing यहाँ India से हो रही है. So I don't know कि ये इंडिया का ही ब्रांड है, वहाँ से फॉर्मुलेट कर रहे हैं या क्या है. बट एनी वेज वी गोना जज देम अकॉर्डिंग टू दैट ओनली बिकॉज दे आर मेड इन कोरिया और इनके प्राइजेज भी हाई हैं. दे आर नॉट वेरी अफोर्डेबल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट दिस गेट योर ग्रीन क्लेंजर. इस तरह की आउटर पैकेजिंग है जिसपे ऑलमोस्ट सारा इन्फॉर्मेशन पीछे मेंशन है, फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट एंड एवरीथिंग. दैट्स द इनसाइड ट्यूब पैकेजिंग. This one is a 120 ml of product and retail for 779 rupees, which is almost 800 rupees. जो एक्चुअल में ऑलमोस्ट सेम प्राइसिंग है जो बाकी कोरियन क्लेंजर्स की होती है, उतनी ही प्राइसिंग है. आई वोंट से इट्स एन अफोर्डेबल वन, बट क्वांटिटी ठीक ठाक है. 120 ml की ह्यूज बॉटल है बिकॉज टेक्सचर इसका थोड़ा थिक है तो ये काफ़ी लंबा आपका चल जाएगा. नाउ इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो दे से दैट इट्स अ हाइड्रेटिंग, प्यूरिफाइंग एंड सूदिंग क्लेंजर. इट्स अ पीएच बैलेंस्ड क्लेंजर फॉर सपल स्किन. तो इसके अंदर जो मेन यहाँ मेंशन किया गया है इट्स मूंगवर्ट, सीका, ग्रीन टी एंड नीम. फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट की बात करें तो इसमें ऑन द टॉप आपको मिलते हैं बंच ऑफ माइल्ड सर्फेक्टेंट्स. देन है यहाँ पे हमारे पास ग्लिसरीन और उसके बाद डला हुआ है मूंगवर्ट का लीफ एक्सट्रैक्ट. देन है इसके अंदर सेंटेला एशियाटिका का एक्सट्रैक्ट, फिर एक ग्लाइकॉल है, देन स्क्वालेन डली हुई है, पैंथेनॉल है विच इज़ वेरी सूदिंग, देन ग्रीन टी लीफ एक्सट्रैक्ट डला हुआ है, देन एक प्रजर्वेटिव डला हुआ है, उसके बाद विटामिन ई है, एक फ्लावर एक्सट्रैक्ट है, लिक्रिच एक्सट्रैक्ट है एंड टर्मरिक रूट एक्सट्रैक्ट है. सो द इंग्रेडिएंट लिस्ट इज़ रियली रियली नाइस. इट्स अ फ्रेग्रेंस फ्री फॉर्मूला, इसके अंदर कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं डली हुई है. दिस हैज़ बंच ऑफ ह्यूमेक्टेंट्स एंड सूदिंग इन्ग्रीडियंट्स डले हुए हैं, जैसे सेंटेला हो गया, मूंगवर्ट हो गया, ब्राइटनिंग में इसमें लिक्रिच डली हुई है. सो बहुत ही अमेजिंग इन्ग्रीडियंट लिस्ट है, मुझे काफ़ी अच्छी ये लगी है. टेक्स्चर की बात करूँ तो लाइक आई सेड कि इट्स अ थिक जेल टेक्स्चर, हल्का सा ग्रीन कलर का ये जेल है बट ये काफ़ी थिक जेल है. इट्स नॉट अ रनी जेल कि जैसे डालोगे तो बहती जाएगी, इट्स अ थिक जेल. तो आपको बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी की ज़रूरत होती है और ये काफ़ी अच्छे से लादरअप हो जाता है और बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करता ये स्किन को. लेकिन जितना टाइम मैंने इसको यूज़ किया मुझे ड्राइनेस या ड्राई पैचेस कहीं पर भी फील नहीं हुए. ब्यूटिफुल, हैज सूटेड परफेक्टली ऑन माई ऑयली एक्ने प्रोन स्किन. आई थिंक ड्राई स्किन पे भी ठीक ठाक काम कर जाएगा बिकॉज इसके अंदर ग्लिसरीन वगैरह डाला हुआ है ऑन द टॉप, तो इट्स नॉट वेरी वेरी हार्श ऑन द स्किन. सो इट्स क्वाइट जेंटल एंड क्वाइट सूदिंग ऑन द स्किन. ब्यूटिफुल क्लेंजर, यू कैन गो फॉर दिस वन. सेकेंड है दिस वाटर डैम मॉइस्चराइजर. इस तरह की ब्लू कलर की पैकेजिंग में है, ऑलमोस्ट पैकेजिंग सेम है बस कलर थीम थोड़ा डिफरेंट है. एंड दैट्स द इनसाइड ट्यूब पैकेजिंग. नाउ ये 50 ml का प्रोडक्ट है एंड रिटेल फॉर 849 रुपीस, विच इज 850 रुपया फॉर 50 ml. विच इज़ आई विट्स लाइक कि जैसे कोरिया के जो होते हैं मोस्टली 1200-1300 तक के होते हैं. सो ये 850 का फिर भी चलो ठीक है. लाइक यूजली इंडियन मार्केट में भी आपको 500-600 तक के मॉइस्चराइजर मिलते हैं, तो थोड़ा सा स्लाइटली एक्सपेंसिव तो ऑफकोर्स ये है. नाउ ये क्या है, इट्स अ सूदिंग, कामिंग एंड नरिशिंग क्रीम. सीका है, नियासिनामाइड एंड शिया बटर एंड पैंथेनॉल मेंशन किया गया है. फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट की बात करें तो इसमें ऑन द टॉप आपको मिलता है प्रोपेंडियोल विच इज़ अ ग्रेट ह्यूमेक्टेंट, ग्लिसरीन है, अगेन ह्यूमेक्टेंट, देन सेंटेला एशियाटिका का एक्सट्रैक्ट डला हुआ है बट आई डोंट नो कितना कॉन्सेंट्रेशन है. देन उसके बाद एक सिलिकॉन डला हुआ है इसमें और उसके बाद इसके अंदर डला हुआ है नियासिनामाइड. नाउ अगेन आई डोंट नो नियासिनामाइड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है. आई बिलीव 3% भी हो सकता है, 4% भी हो सकता है और 2% भी हो सकता है. अपार्ट फ्रॉम दैट दिस हैज़ फ्यू ऑफ द मॉइस्चराइजिंग इन्ग्रीडियंट्स. देन पैंथेनॉल डला हुआ है, वेरी हाइड्रेटिंग एंड सूदिंग ऑन द स्किन. देन बंच ऑफ मोर मॉइस्चराइजिंग इन्ग्रीडियंट्स. देन डला हुआ है इसमें शिया बटर.
उसके बाद है इसमें लिक्रिश रूट एक्सट्रैक्ट एंड इसके अंदर एक सेरामाइड डला हुआ है विच इज़ सेरामाइड NP. देन सेंटेला का एक और एक्सट्रैक्ट इसमें डला हुआ है. उसके बाद एप्रिकॉट कर्नल ऑयल भी इसके अंदर डला हुआ है. कोलेस्ट्रॉल आपको इसमें मिल जाएगा, एडिनोसिन इसमें आपको मिल जाएगी, मशरूम का एक्सट्रैक्ट है, बंच ऑफ मोर ह्यूमेक्टेंट्स हैं, देन सोडियम हैलोनेट है, सम फैटी अल्कोहल्स हैं जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करेंगे, फिग का एक्सट्रैक्ट इसमें डला हुआ है, बंच ऑफ मोर ग्लाइकॉल्स एंड सिलिकॉन्स आर देयर, देन वाइटामिन ई इसमें डली हुई है एंड अर्टिमिसिया कैपिलरिया एक्सट्रैक्ट. अर्टिमिसिया इज आपका मूंगवट, तो वो इसके अंदर डला हुआ है. सो इंग्रेडिएंट लिस्ट इज मोर ऑन अ ब्राइटनिंग साइड, नरिशिंग साइड, सूदिंग वाली साइड है. ना इसके टेक्सचर की बात करूँ तो ओ माय गॉड, आई लव दिस टेक्सचर. इट हैज़ दैट जेल क्रीम टेक्सचर विच आई ऑलवेज प्रेफर इन माई मॉइस्चराइजर. वेरी वेरी लाइट, बहुत ही स्मूथ फील है, इंस्टेंटली सिंक इन हो जाता है, डजेंट फील हैवी ऑन द स्किन. बट this one is not at all suitable for oily acne prone and close comedone prone skin. because if you guys remember जब मैंने इसका first impression दिया था, मैंने आपको बोला था कि मैं थोड़ी सी डरी हुई हूँ कि इसको लगाऊँ या नहीं, because इसके अंदर शिया बटर डाला हुआ है and sometime I feel कि शिया बटर is not suitable for my skin और मुझे comedones हो जाते हैं उससे. but then फिर भी मैंने इसको लगाया, दो तीन दिन मैंने इसको लगाया, I was like wow ये तो मेरे face पे suit कर गया. but By the 5th or 6th day, I felt कि यहाँ पे मुझे ना छोटे 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 कॉमेडाउंस होने शुरू हो गए और बाद में फिर वो एक्नेस बनने शुरू हो गए. एंड देन आई वॉज लाइक नो डोड, इट्स नॉट फॉर मी. बिकॉज शिया बटर के साथ साथ इसके अंदर ना एक ये कौन सा एप्रिकॉट कर्नल ऑयल भी डला हुआ है. सो नॉट एट ऑल, बहुत ही भारी भरकम दिल से मुझे बोलना पड़ रहा है दैट इट्स नॉट एट ऑल सूटेबल फॉर एक्ने प्रोन एंड क्लोज कॉमेडॉन प्रोन स्किन. बट येस, इफ यू रेंज बिटवीन नॉर्मल टू ड्राई स्किन, यू गोना लव इट बिकॉज इट्स अ ब्यूटिफुल मॉइस्चराइजर. सो आई थिंक अब मुझे ये अपने हस्बैंड को देना पड़ेगा एज यूजल. बहुत भारी दिल से मुझे कहना पड़ रहा है कि ये मेरे फेस पे सूट नहीं किया, बट इट्स अ ब्यूटिफुल मॉइस्चराइजर. इंग्रीडियंट लिस्ट बहुत ज़्यादा अच्छी है, लव इट, बट आई विश कि मेरे फेस पे ये सूट कर जाता. बट इफ यू रेंज बिटवीन नॉर्मल टू ड्राई स्किन, यू कैन गो फॉर दिस वन. ब्यूटिफुल, हाईली रिकमेंडेड. लास्टली आई हैव दिस बीट द सन सन स्क्रीन, येलो सी पैकेजिंग के अंदर है, सब कुछ मैंशन है. ये है इसका अंदर का प्लास्टिक पैकेजिंग. ये 50 ml का प्रोडक्ट है इन रिटेल फॉर 899 rupees, विच इज़ 900 rupees, विच इज़ फाइन. कोरियन सनस्क्रीन की बात करें तो मोस्टली 1500-2000-2500 तक की आती हैं, तो ये 900 rupees की फिर भी मैं बोलूँगी चलो ठीक ठाक है. नाउ इट हैज़ SPF ऑफ 50+ एंड PA 4+ ये कहती है. ब्रॉड स्पेक्ट्रम मॉइस्चराइजिंग सनस्क्रीन है, ऑक्सीबेंजोन फ्री है, रीफ सेफ लिखा हुआ है. फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट की बात करें तो ऑन द टॉप आपको इसमें प्रोपेनडियोल मिलता है विच इज़ अ ग्रेट ह्यूमेक्टेंट. देन इसमें बंच ऑफ केमिकल फिल्टर्स मिलेंगे आपको. देन नियासिनामाइड इसमें डला हुआ है एंड मोर केमिकल फिल्टर्स आर देयर. उसके बाद इसमें डला हुआ है सेंटेला एशियाटिका का एक्सट्रैक्ट, सेरामाइड NP आपको इसमें मिल जाएगा, एलेंटोइन है, बंच ऑफ फैटी अल्कोहल्स आर देयर. देन लास्ट में इसमें कुछ प्रजर्वेटिव्स हैं, टेक्सचर एनहांसर्स हैं, pH adjusters हैं, vitamin E है एंड rosemary leaf extract डला हुआ है एंड adenosine आपको इसमें मिल जाएगी. टेक्सचर की बात करूँ तो OMG, जब मैंने इसका फर्स्ट इंप्रेशन दिया था, यू गाइज नो कि एकदम पानी जैसी ये निकली थी, है ना, तो मुझे लगा कि शायद ये पानी जैसी ही है. बट उसके बाद जब मैंने इसको ट्राई आउट किया, दिस हैज़ अ वेरी वेरी नाइस लाइट लोशन, आई वुड से नॉट लोशन, वेरी वेरी लाइट वाटरी टेक्सचर. इट्स अ वाटरी सनस्क्रीन, इंस्टेंटली सिंक इन हो जाती है आपकी स्किन में और बहुत ही प्यारी एक शीन सी आपके फेस पे छोड़ती है, विच आई वुड से ग्लोई सा फेस आपको लगता है, थोड़ा सा टोन अप इफेक्ट भी आपको दिखता है इससे. बट ब्यूटिफुल सनस्क्रीन, डजेंट स्टिंग इन द आईज, इट्स वेरी वेरी लाइट ऑन द स्किन, रीएप्लीकेशन बहुत ज़्यादा ईजी है, डजेंट पील ऑफ. Beautiful sunscreen. If you're looking for a light, watery, lotion-like texture from a sunscreen, this gonna be a perfect option for you. But I don't know, somebody commented on that video ki isne reaction diya unke face pe. But to be very honest, mujhe kuch bhi feel nahi hua. Even maine apne husband ko bhi di thi test out karne ke liye, unke face pe bhi ye perfectly suit hui hai. So it's a beautiful one.
बट ऑलवेज यू नो पैच टेस्ट बिफोर यू स्टार्ट यूजिंग एनी न्यू स्किन केयर प्रोडक्ट इन योर स्किन केयर रूटीन. बट यस, इट्स अ ब्यूटिफुल सनस्क्रीन. अगर आप केमिकल सनस्क्रीन लगाते हैं, यू गोना लव दिस वन बिकॉज दिस हैज़ दैट वेरी नाइस वॉटरी टेक्स्चर, ब्यूटिफुल टेक्स्चर, हाईली रिकमेंडेड. सो ओवरऑल इस ब्रांड की बात करूँ तो फॉर्मुलेशंस अच्छी हैं इनकी, इंग्रेडिएंट लिस्ट भी काफ़ी अच्छी है. प्राइसेस थोड़े से ज़्यादा हैं दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि बाहर से फॉर्मुलेट होके आ रहे हैं प्रोडक्ट्स, तो थोड़ी सी जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है. सो आई वुड से येस, यू कैन गो फॉर दीज एंड आई विल रिकमेंड दिस ब्रांड. बट हाँ, मॉइस्चराइजर सूट नहीं किया मेरे फेस पे, बट इट इज़ अ ब्यूटिफुल मॉइस्चराइजर. सो या फ्रॉम माई साइड आई विल रिकमेंड दिस ब्रांड, यू कैन गो फॉर देम. एंड आई होप यू फाउंड दिस वीडियो लिटिल बिट हेल्पफुल. थोड़ी सी भी हेल्प हुई है थम्स अप दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना. मिलती हूँ आपको मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा. बाय बाय.